नीमच मध्य प्रदेश का एक जिला जो ब्रिटिश साम्राज्य में सैन्य छावनी भी रहा। भारत सरकार ने इसे सीआरपीएफ की छावनी बनाया गया। डियर व्यूज, इससे पहले का वीडियो में पूरी तरह से खो जाए, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल टूर विद अंशमा को सब्सक्राइब कर लें। अगर तहसीलों की बात की जाए तो यहाँ पर मानसा, रामपुरा, जावद, सिंगोली, जीरन, ग्रामीण नीमच, शहरी नीमच आदि हैं। पड़ोसी जिलों की बात की जाए तो मंदसौर और राजस्थान का एक जिला भी इससे जुड़ा हुआ है। जनसंख्या की बात की जाए तो 826,067 है, और वहीं साक्षरता की बात की जाए जो कि 2011 के हिसाब से तो 70.8% है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4,256 वर्ग किलोमीटर है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 41वां बड़ा जिला है। अगर खनिज पदार्थ की बात की जाए तो यहाँ टेलीफोन, मोटर, बिजली और लालटेन, चिमनी आदि का निर्माण होता है, और यहाँ पर उच्च स्तर पर परतदार हल्का चमकीला अभ्रक भी पाया जाता है, जो अभ्रक विद्युत उपयोग में काफी बड़े पैमाने पर उपयोग में आता है। फैक्ट की बात की जाए तो नीमच जिला अफीम उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, और नीमच जिले में ही एल्कोहल एलाइट की फैक्ट्री है। भदवा माता का मंदिर भी यहाँ भीरों द्वारा पूजा किया जाता है। नीमच डिस्ट्रिक्ट की आकृति मानव हृदय जैसी है। नीमच जिले में ही प्रमुख नदी चंबल नदी बहती है। नीमच जिले के झातला गांव में सबसे पहले 2001 में ग्राम न्यायालय की शुरुआत की गई। ग्राम न्यायालय की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश का ये प्रथम जिला है। फैक्ट की बात तो ये भी है कि नीमच में साहबुद्दीन औलिया उर्स का मेला लगता है। फैक्ट की बात तो ये भी है कि यहाँ कुकड़ेश्वर महादेव का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि एक पुरातात्विक स्थल है। जानकारी के लिए बताते हैं कि यहाँ पर सीमेंट एवं इमारती पत्थर के उत्पादन के लिए नीमच जिला जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, नीमच जिले में ही भील जनजाति बड़े पैमाने में पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपके हर प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाय बाय, टेक केयर।